हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अंकुश वहाज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या एनिमल एम्ब्रियोलॉजी। यहां चर्चा करने वाले हूं उन प्रश्नों की जो केवीएस, एनबीएस, डीएसएसबी, यूपी, एमपी, झारखंड, पीसीएस और असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी में पूछे गए प्रश्न है। ये प्रश्न आपको विथ डिस्क्रिप्शन के साथ है, आंसर के साथ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। अगर किसी में कन्फ्यूजन है तो डिस्क्रिप्शन पढ़ने से दो फायदे होते हैं कि वो क्वेश्चन परमानेंट आपके मानस पटल पे छप जाता है। तो आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आज जो चर्चा करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एग्स एंड क्लीवेज की, तो इसमें ये भी एक समस्या आती है कि एक आध ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपके आंसर और हमारे आंसर मैच नहीं करते हैं, तो बिल्कुल आप उनको आंसर्स को बुक में देखिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन ओवरी ऑफ फ्रॉग, निम्नलिखित संरचनाओं में कौन मेंढक के अंडाशय में नहीं पाई जाती है, तो वो कार्पस कैलोसम है जो मेंढक के अंडे में नहीं पाई जाती है। पीतक, कार्पस ल्यूटियम, अंडक आदि संरचनाएं मेंढक के अंडाशय में पाई जाती हैं, जबकि कार्पस कैलोसम इसके अंडाशय में नहीं पाया जाता, यह मस्तिष्क में पाया जाता है। कार्पस कैलोसम जो मस्तिष्क के दाएं और बाएं भाग को जोड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट है, ग्राफियन फॉलिकल्स आर फाउंड इन द ग्राफी पुट्टक, पाए जाते हैं तो कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं ओवरी ऑफ मैमल्स में। कहाँ देखने को मिलते हैं? ओवरी ऑफ मैमल्स में। ग्राफी पुट्टक स्तनी के अंडाशय में पाए जाते हैं, महिलाओं में लगभग 4 लाख फॉलिकल्स के साथ युवावस्था शुरू होती है। प्रत्येक को निषेचन के लिए अंडाशय से अंडा कोशिका जारी करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रीमेटिव स्ट्रिक इन चिक इज कंप्लीटेड इन, तो वो हमने बताया था 16 to 18 आवर्स, तो इसमें ऑप्शन सही रहेगा बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेस क्लियोडिक एग्स, तो क्लियोडिक एक्स जो पाया जाएगा वो हेन में, मुर्गी में पाया जाता है, और ये बता दें बर्ड्स का करके फीचर्स है। द क्लियोडिक एग फाउंड इन द बर्ड्स ओनली लाइक हेन, इट कंटेन ए प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, दिस मेम्ब्रेन डज नॉट अलाउ वाटर कम्स आउट बट O2 एंड CO2 आर डिफ्यूज थ्रू इट। फिश मीजोलिसाई, फिश का जो एग होता है वो मीजोलिसाइथल एग होता है, कंटेन मीडियम अमाउंट ऑफ योक, टोड फ्रॉग कंटेन माइक्रोलिसाइथल एग। ए लिसाइथल एग आर फाउंड इन, तो ए लिसाइथल जो एग होता है वो कहां देखने को मिलता है, तो वो प्रायः कहां देखने को मिलेगा, मैमल्स में। ए लिसाइथल एग, द एग ऑफ एम्फियोक्सेस एंड मार्सुपियल्स एंड यूथीरियन मैमल्स आर ऑफ दिस टाइप, द मैमेलियन एग कंटेन सो लिटिल योक दैट दे आर समटाइम कॉल्ड ए लिसाइथल, इतना कम मात्रा में होता है कि हम उसको ए लिसाइथल एग के नाम से जानते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके संबंधित वीडियो हमारे पड़े हुए हैं प्लेलिस्ट में, विद डिस्क्रिप्शन के साथ पड़े हुए हैं और नोट्स पड़े हुए हैं, तो आप जरूर प्लेलिस्ट में चेक करके इनको देखिएगा जो पहले से पड़े हुए हैं। और हमने सबकी प्लेलिस्ट अलग अलग बना रखी है, हर टॉपिक की, हर चैप्टर्स की प्लेलिस्ट अलग है, वो चाहे आपके मेंडेलियन हो या वो चाहे इनहेरिटेंस हो या फिर एनिमल किंगडम हो, सबकी लिस्ट अलग अलग पड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोएटल मेम्ब्रेन फंक्शन एम्ब्रियोनिक यूरिनरी ब्लैडर, तो बताइएगा इनमें से कौन यूरिनरी ब्लैडर का काम करती है, तो वो कौन सी है, एलेंटोइस। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। द एलेंटोइस प्लूरल एलेंटोइड्स आर एलेंटोइसिस इज हॉलो सैक लाइक स्ट्रक्चर, द फंक्शन ऑफ एलेंटोइस इज कलेक्ट लिक्विड वेस्ट ऑफ द एम्ब्रियो, द एलेंटोइस बिकम द यूरेकस विच कनेक्ट द फीटल ब्लैडर टू द योक सैक, योक सैक का काम है न्यूट्रिशन और एमनियोन का काम है प्रोटेक्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स एक्ट बोथ एम्ब्रियोनिक लंग्स एंड यूरिनरी ब्लैडर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन रेप्टाइल्स, ठीक है, एंड बर्ड्स एक्ट बोथ एम्ब्रियोनिक लंग्स एंड यूरिनरी ब्लैडर, तो वो भी हमने आपको बताया था एलेंटोइस है। कौन है? एलेंटोइस। ये यूरिनरी ब्लैडर का भी काम करती है और लंग का भी काम करती है, तो ऑप्शन इसका सी ही सही होगा। अच्छा क्वेश्चन है, डिस्क्वाइडल क्लीवेज इज करेक्टरिस्टिक ऑफ, तो डिस्क्वाइडल जो क्लीवेज होता है वो किसका करेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है, तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं, चलो देख लेते हैं।
In discoidal cleavage, furrows do not penetrate the yolk. The embryo forms disc of cells called blastodisc on the top of yolk. It is commonly found in monotremes, birds, reptiles and fish. जिसमें ज़्यादा योग होता है तो मोनोट्रिम्स बर्ड्स रेप्टाइल्स एंड फिश. विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेटल मेम्ब्रेन डज नॉट टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा इन मैमल. तो वो कौन सी है, तो वो एमनियोन है. द एमनियोन इनर फेटल मेम्ब्रेन दैट इन्वेस्ट द एम्ब्रियोज आर फॉर्म ए स्पेस कॉल्ड एमनियोटिक एक्टिविटी. इट इज फिल्ड विद द फ्लूइड कॉल्ड एमनियोटिक फ्लूइड. एमनियोन प्रोटेक्ट्स द फेटस फॉर्म ऑफ सॉक्स. ये सॉक्स से बचाती है. विच ऑफ द फेटल मेम्ब्रेन ऑफ चिक डेवलप्ड एज ए सोमैटोप्लियोर. इनमें से कौन है जो सोमैटोप्लियोर की तरह काम करता है, तो एमनियोन है. वर्टिब्रेट में ऊतकों का एक स्तर जो एक्टोडर्म और मीजोडर्म के बाहरी स्तर को सम्मिलित कर एमनियोन, कोरियोन और शरीर के बाहरी परत को जन्म देती है, उसे सोमैटोप्लियोर कहते हैं. क्या बोलते हैं? सोमैटोप्लियोर कहते हैं. तो कौन है? एमनियोन. सेंट्रोलिसाइथल एग आर करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ. तो ये करेक्टरिस्टिक फीचर्स है इंसेक्ट का. किसका है? इंसेक्ट का. ध्यान रखिएगा. गिवन ये कुछ कोड दिए. आइसोलिसाइथल होलोब्लास्टिक डिस्कोइडल मीरोब्लास्टिक टीलोलिसाइथल सुपरफी. विच टू ऑफ द एबव फीचर करेक्टरिस्टिक एवियन एग. तो एवियन एग में डिस्कोइडल होगा और इसमें वो ज्यादा होगा, योग ज्यादा होगा. टीलोलिसाइथल, तो ऑप्शन इसका सी सही है, तीन और चार. टीलोलिसाइथल सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक. मीरोब्लास्टिक क्लीवेज इन विच डिस्क ऑफ द सेल्स प्रोड्यूस्ड इन द एनिमल पोल ऑफ जायगोट. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लेज क्लियोडोइक एग. तो वो बर्ड्स में देखने को मिलता है, तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा. ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ चिक द फर्टाइल मेम्ब्रेन दैट एपियर फर्स्ट. वो कौन सी फर्टाइल मेम्ब्रेन है जो पहले एपियर होती है, तो वो है योक सैक. कौन सी है? योक सैक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्टाइल मेम्ब्रेन एपियर फर्स्ट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ चिक. तो वो कौन सा है? योक सैक. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉक्स एम्ब्रियो ब्लास्टोपोर एपियर्स एट द स्टेज ऑफ. तो ब्लास्टोपोर कहां नजर आएगा, तो वो लेट ब्लास्टुला में दिखाता है. द ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉक्स एम्ब्रियो द जायगोट अंडरगोज मियोटिक डिवीजन ए प्रोसेस दैट डज नॉट रिजल्ट इन एनी सिग्निफिकेंट ग्रोथ बट द क्रिएट्स ए द मल्टीसेलुलर क्लस्टर्स कॉल्ड ब्लास्टुला. दिस प्रोसेस इज रिफर टू एज द क्लीवेज द ब्लास्टुला देन डेवलप्स ए पोर और ए होल एट ऑन एंड कॉल्ड द ब्लास्टोपोर. गैस्टुला इन ए फ्रॉग इज फॉर्म्ड बाय. तो किससे बनता है, तो वो बनता है आला फेबब, इनवेजिनेशन, एम्बोली और एपिबोली. तो ऑप्शन इसका डी सही होगा. इन इंडिया वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बोर्ड वॉज एस्टेब्लिश्ड इन. तो इंडिया में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बोर्ड का स्थापना कब हुई थी, तो 1887, 1952, 1973 और 1985. तो कब हुई थी, तो 1952. वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बोर्ड वॉज इस्टेब्लिश 1952. ब्लास्टोपोर इज फाउंड इन द फॉलोइंग. तो ब्लास्टोपोर कहाँ देखने को मिलता है, तो वो हमें देखने को मिलता है गैस्टुला में. मीरोब्लास्टिक क्लीवेज इज फाउंड इन द फॉलोइंग. मीरोब्लास्टिक जो क्लीवेज होता है वो कहाँ देखने को मिलेगा, तो वो बर्ड्स में देखने को मिलता है. द करेक्टरिस्टिक ऑफ इनकम्प्लीट क्लीवेज एज ए रिजल्ट द प्रेजेंस ऑफ इम्पेडिंग मास ऑफ योक मटेरियल कॉल्ड द मीरोब्लास्टिक क्लीवेज. एग्जाम्पल बर्ड. मिडिल पीस ऑफ मैमेलियन स्पर्म कंटेन. तो वो माइटोकांड्रिया मिडिल पीस में देखने. माइटोकांड्रियन, देखे ये क्वेश्चन मैं गलत कर रहा था, मैंने पहला देखा बिल्कुल, मगर इसका ऑप्शन डी सही है. माइटोकांड्रियल प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल. हमने प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल को ध्यान ही नहीं दिया, तुरंत आंसर. तो ऐसे भी क्वेश्चन गलत होते हैं, इसका भी आप ध्यान रखिएगा. क्लीवेज इज ए यूनिक फॉर्म द माइटोटिक सेल डिवीजन इन विच नो स्पिंडल डेवलप्स गाइड द सेल्स. देयर इज नो ग्रोथ ऑफ सेल्स. द न्यूक्लियस डज नॉट पार्टिसिपेट. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ डॉटर सेल सेपरेट. ऑप्शन बी सही है. देयर इज नो ग्रोथ ऑफ सेल्स.
नाइट्रोजिनस एंड मेटाबॉलिक वेस्ट ऑफ एम्ब्रियो स्टोर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग, तो एलेंटॉइस में ये सारे एकत्रित होते हैं, ये लंग्स की भी तरह कार्य करता है। सेंट्रोलिसाइथेलेग इज फाउंड इन द फॉलोइंग, तो वो इंसेक्ट में सेंट्रोलिसाइथेलेग में देखने को मिलते हैं। पोलर बॉडीज आर फॉर्म ड्यूरिंग, पोलर बॉडीज का निर्माण होता है कब होता है, ओजिनेसिस, स्पर्मेटोजिनेसिस, फर्टिलाइजेशन और रिजनरेशन। तो पोलर बॉडी आर फॉर्म ड्यूरिंग द मैचुरेशन फेस ऑफ ओजिनेसिस, पोलर बॉडी का जो मैचुरेशन होता है, परिपक्व अवस्था होती है, वहां ओजिनेसिस में इसका विकास होता है। ओजिनेसिस इज द प्रोसेस मैचुरेशन ऑफ द रिप्रोडक्टिव सेल इज ओवरी, इट इंक्लूड फेज ऑफ मल्टीप्लीकेशन, फेज ऑफ ग्रोथ एंड फेज ऑफ मैचुरेशन। पेरिटोनियम इज ड्राइव्ड फ्रॉम द पेरिटोनियम, जो ड्राइव्ड होती है वो संबंधित है मेसोडर्म से। All the excess of a frog egg are defined prior to the cleavage. The first cleavage always bisects the grey crescent which form opposite of the site of, तो ऑप्शन इसका सी सही है, योक प्लक। The first cleavage of frog, the meridional passing through the मेडियन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होलोब्लास्टिक एंड इक्वल, इट ऑलवेज बाइसेक्ट द ग्रेक क्रीसेंट विच फॉर्म अपोजिट साइड ऑफ योक प्लग। क्लीवेज इज ए यूनिक फ्रॉम ए माइटोटिक सेल डिवीजन विच, तो ऑप्शन डी सही है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द डॉटर सेल्स डिड नॉट सेपरेट द बिगिनिंग ऑफ क्लीवेज, द रेशन of nucleus of the cytoplasmic blastomere is, तो ऑप्शन इसका ऐसा ही, वेरी हाई। द रोलिंग ऑफ कॉर्डा मेसोडर्म सेल्स फ्रॉम द अपर सर्फेस ऑफ ब्लास्टुला इन टू द इंटीरियर इज कॉल्ड, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं इन्वोल्यूशन, क्या बोलते हैं, इन्वोल्यूशन के नाम से जानते हैं। द रोलिंग ऑफ कॉर्डा मेसोडर्म सेल्स फ्रॉम द अपर सर्फेस ऑफ ब्लास्टुला इन टू द इंटीरियर इज कॉल्ड इन्वोल्यूशन। माइग्रेशन ऑफ सेपरेटिंग माइक्रोमीयर्स ओवर द एम्ब्रियो इज नोन एज द एपिबोली। इन द फ्रॉग द रोलिंग ऑफ कॉर्डा मेसोडर्म सेल्स ऑफ द सर्फेस ऑफ ब्लास्टुला सेल इन टू द इंटीरियर इज कॉल्ड, तो इन्वोल्यूशन ही बोलते हैं, सेम क्वेश्चन है। द एग ऑफ ओवोवीविपाइरस स्पीसीज आर, ओवोवीविपाइरस के जो एग होते हैं वो कैसे होते हैं, तो माइक्रोलिसाइथल होते हैं। ओवोवीविपाइरस जंतुओं के अंडे माइक्रोलिसाइथल, जिसमें बहुत कम मात्रा में योग पाया जाता है। हैंसन्स नोट्स इज फॉर्म ड्यूरिंग द गैस्टुलेशन, गैस्टुलेशन के समय हैंसन नोट का निर्माण होता है, कहां होता है, तो ये हमें पक्षियों में देखने को मिलता है। सुपरफिशियल क्लीवेज इज द करेक्टरिस्टिक, तो सुपरफिशियल जो क्लीवेज देखने को मिलता है शायद सेंट्रोलिसाइथल एग में होगा, हाँ सुपरफिशियल क्लीवेज जो होता है सेंट्रोलिसाइथल एग में देखने को मिलता है। हार्मोन सिक्रीटिंग स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड आफ्टर ओव्यूलेशन, तो वो कौन सी होती है, तो कार्पस, कौन सी होती है, कार्पस ल्यूटियम होती है, कौन सी संरचना, कार्पस ल्यूटियम। विच पेयर इस करेक्ट, इनमें से कौन सा पेयर करेक्ट है, तो बताइएगा सेंट्रोलिसाइथल एक, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एग एल्बुमिन इन वर्ड इज कॉल्ड, पक्षी का अंडा श्वेतक का सबसे भीतरी स्तर कहलाता है, तो इनर द एल्बुमिन, वेटेलाइन मेम्ब्रेन, डेंस एल्बुमिन और चलाजीफेरस लेयर, तो क्या कहलाता है, पक्षी का अंड श्वेतक भीतरी स्तर घना श्वेतक डेंस एल्बुमिन कहलाता है। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम डेवलप एज ए रिजल्ट ऑफ, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र विकसित होता है, तो किसके बाद, तो वो विकसित होता है न्यूरुलेशन के पश्चात। एग्स ऑफ द बर्ड्स आर डिजाइनेटेड एज, पक्षियों का अंडा को इस नाम से भी जाना जाता है, तो किसके नाम से जाना जाता है बताइएगा, तो इसको टीलोलिसाइथल के भी नाम से जानते हैं। माइक्रोलिसाइथल एग विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड रिजर्व
आर फाउंड इन सूंधपित्त के अंडे जिनमें आरक्षित भोज पदार्थों की मात्रा बहुत कम होती है, वो कहाँ देखने को मिलते हैं? तो वो मनुष्य में देखने को मिलते हैं। एग ऑफ यूथीरियन मैमलीज नाल वाले स्तनधारी जंतु का अंडा होता है। तो ये चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन में आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन आपके अनुसार सही है। आज के लिए इतना ही, इसके आगे के वीडियो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध कराएंगे। इसी के साथ नमस्कार, शुभ रात्रि।